ये है 90 kg की भूमि पेडनेकर की तस्वीरें और ये है केवल 4 महीने में 32 किलो वेट लॉस करने के बाद इनकी तस्वीर। आज की वीडियो में हम जानेंगे भूमि पेडनेकर की वेट लॉस स्टोरी, इनका कंप्लीट फुल डे वेट लॉस डाइट प्लान, इनका वर्कआउट डिटेल और इनके शेयर किए हुए वेट लॉस टिप्स। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस वेट लॉस स्टोरी से आप क्या लर्निंग्स ले सकते हैं जो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में बेहद काम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। भूमि को अपनी पहली फिल्म दम लगा के हाइशा के रोल के लिए अपना वजन 25 किलो बढ़ाकर 90 किलो तक करना पड़ा था और ऐसा उन्होंने बड़ी खुशी के साथ किया क्योंकि उन्हें अपना मनचाहा फूड दिल खोल कर खाने के लिए मिला। और मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बड़े खुशी से अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर दी क्योंकि वो जानती थी कि वेट लॉस खुश रहकर ही किया जा सकता है, परेशान होकर नहीं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि वेट लॉस के लिए इनका डाइट प्लान क्या था। ब्रेकफास्ट में ये लेती थी मल्टीग्रेन ब्रेड और 3 egg whites का ऑमलेट और इसके 1 घंटे के बाद ये जाती थी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेकफास्ट ही इनका प्री वर्कआउट मील होता था। और आप भी ध्यान रखें कि जिम जाने के 1 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स लेकर आप भी जिम में अपना एनर्जी लेवल बेहतर रख सकते हैं और अच्छी तरह से अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट ये लेती थी वे प्रोटीन शेक। लंच में ये लेती थी 2 small multigrain रोटी, सब्जी, दाल और 1 glass बटर मिल्क। आपको भी बटर मिल्क जैसे अच्छे प्रोबायोटिक सोर्स अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। ये आपका डाइजेशन सही रख के वेट लॉस में आपको सही रिजल्ट दिलाने में हेल्प करते हैं। इवनिंग स्नैक में लेती थी 1 bowl पपाया या 1 apple और इसके कुछ देर बाद ग्रीन टी। आपको भी अपने डाइट प्लान में फ्रूट की 1 serving जरूर इंक्लूड करनी चाहिए और ग्रीन टी से आपको मिलता है EGCG और कैफीन जो कि आपके फैट लॉस में हेल्प करता है। शाम 7 बजे ये लेती थी 1 bowl ऑफ सैलड विथ एप्पल साइडर विनीगर और रात 8:30 बजे ये लेती थी ग्रिल्ड चिकन या फिश या कभी कभी ग्रिल्ड पनीर या टोफू। इसके साथ वो लेती थी स्टिर फ्राइड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स और कभी कभी 1 small cup ऑफ ब्राउन राइस या 1 small multigrain रोटी। यहाँ आपको भी ध्यान रखना है कि डिनर आपको हमेशा लाइट लेना है और इसमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम से कम रखनी है। आइए अब जानते हैं कि वेट लॉस के लिए इन्होंने अपने वर्कआउट में क्या क्या फॉलो किया था। तो सबसे पहले करती थी ये 15 मिनट कार्डियो और उसके बाद ये करती थी 40 मिनट वेट ट्रेनिंग। कार्डियो जहां आपके कैलोरी बर्न करके फैट लॉस में मदद करता है, वहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल मास को बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ और पावर इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी टोन्ड करता है और लॉन्ग टर्म में फैट लॉस के लिए आपकी बेहद ज़्यादा मदद करता है। इसलिए अच्छे वेट लॉस रिजल्ट के लिए आपको वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। वीक में कुछ दिन वेट ट्रेनिंग के स्थान पर ये करती थी फंक्शनल ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग में इन्हें पसंद थी पिलाटस। पिलाटस आपके मसल इम्बैलेंस को दूर करती है और आपके कोर स्ट्रेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इसके अलावा भूमि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखती थी और समय मिलने पर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग और ऑफ कोर्स डांस भी करती थी। आइए फ्रेंड्स अब आपको शेयर करते हैं वो वेट लॉस टिप्स जो भूमि ने आप सबसे शेयर किए हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है क्विट शुगर। आपको शुगर यानी रिफाइंड शुगर का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप बंद न कर सकें तो कम से कम काफ़ी लिमिट कर देना चाहिए। इसके स्थान पर आप स्टीविया का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि भूमि भी करती थी। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है जिसमें कि कैलोरीज 0 होती है और ये आपका इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करता है। इस प्रकार ये आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी आसानी के लिए एक बेहतर क्वालिटी की स्टीविया का बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप शुगर के स्थान पर जैगरी यानी गुड़, हनी यानी शहद और डेट सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी आपको लिमिट में करना है क्योंकि इन सब में भी कैलोरीज होती है और 0 calorie वाला एक ही ऑप्शन होता है, वो है स्टीविया। दूसरी टिप है ऑप्टिमम वाटर इनटेक। अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान भूमि ने अपना वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा रखा था और इसीलिए वो अपने वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट ले भी पाई।
कलरलेस, टेस्टलेस और इजी अवेलेबिलिटी होने की वजह से पानी की इम्पोर्टेंस को हम कम आंकते हैं, जबकि वेट लॉस में हमारे बॉडी के हाइड्रेशन यानी वाटर इनटेक का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और आप सबको भी वेट लॉस के दौरान मिनिमम 3 लीटर तक पानी डेली जरूर पीना चाहिए। तीसरी टिप में भूमि का मानना है कि हमें जिम में ही नहीं बल्कि दिन भर हमें एक्टिव रहना चाहिए या एक्टिव रहने के बहाने ढूंढते रहने चाहिए। जैसे हम लिफ्ट के स्थान पर स्टेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं और वाटर बॉटल अपने साथ न रखकर प्यास लगने पर बार बार जाकर पानी पी सकते हैं, और अपना मनपसंद गाना यानी डांस नंबर बजने पर हमें झूमकर नाच लेना चाहिए। इस प्रकार दिन भर छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी करके हम अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगी। चौथी टिप है नो टू केमिकली रिफाइंड ऑयल। भूमि अपने वेट लॉस डाइट में केमिकली रिफाइंड ऑयल को घी या कोल्ड प्रेस ऑयल से रिप्लेस कर दिया था। जहां सोयाबीन या सनफ्लावर जैसे केमिकली रिफाइंड ऑयल ओमेगा 6 से भरपूर होते हैं और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन लाकर वेट गेन आपका कर सकते हैं, वहीं लिमिटेड मात्रा में घी, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का प्रयोग आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी लर्निंग जो आपको इस वेट लॉस जर्नी से लेनी चाहिए। वो ये है कि कभी भी अगर आपका वजन किसी कारण से अचानक बढ़ जाए तो आपको तुरंत अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपना वजन कम कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी बॉडी भी हेल्प करती है आपको वेट लूज करने में, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी को आपका वज़न का पता होता है और वो आपके उसी वजन पर वापस लौटने की कोशिश करती है। यहाँ भूमि के केस में भी आपने देखा होगा कि उनका वजन हमेशा से 90 किलो नहीं था, उन्होंने फिल्म के रोल के लिए 25 किलो वजन बढ़ाया था, और इसलिए उन्होंने जब वेट लॉस करना चाहा तो उनकी बॉडी ने भी काफ़ी हेल्प किया और वो आसानी से 32 किलो वजन 4 महीने में घटा पाई। लेकिन जब आप बढ़े हुए वजन पर ज़्यादा समय गुजार देते हो तो आपको वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका किसी वजह से वजन बढ़ जाए, जैसे किसी फेस्टिवल सीजन के बाद या किसी लॉन्ग हॉलीडे ट्रिप के बाद, मैरिज या प्रेगनेंसी के बाद, किसी मेडिकल कंडीशन या इंजरी के बाद रेस्ट या बेड रेस्ट लेने के बाद, तो आपको तुरंत अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए, और ऐसा करके ही आप अपने वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ना कि आपको अपना बढ़ा हुआ वजन पालना चाहिए। और अपना वजन आसानी से कम करने के लिए आप कर सकते हैं वेट लॉस टीवी को सब्सक्राइब और इसके मस्ट वॉच प्लेलिस्ट को देखकर, समझकर, फॉलो करके आप वेट लॉस के अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। या अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए और बिना गलती किए जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।